सूबे में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी तस्वीरें हैं जो निकल के सामने आती हैं। कल्पना कीजिए, शराब की पार्टी हो और वो भी थाने में, फिर डरने की जरूरत ही क्या है। वो कहते हैं ना, सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का, और ये लाइन्स इस कहानी पे बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि एक मामला राजधानी पटना के गौरीचक थाने से निकल के आया है, जहां शराब पार्टी कर रहे मुंशी को गिरफ्तार किया गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं किस तरह किसी ने चुपके से इस वीडियो को बनाया है, और वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो मुंशी जी हैं वो बैठकर शराब की पार्टी कर रहे हैं, साथ में कई लोग उनके साथ बैठे हैं, और हर बार अलग अलग लोग वहां पहुंचते हैं और फिर शराब की पार्टी खूब धड़ल्ले से चल रही है। हालांकि ये वीडियो की पुष्टि फर्स्ट बिहार झारखंड नहीं करता, लेकिन ये वीडियो काफी तेजी से अब वायरल हो रहा है। सरकार के बुलंद वादों को तोड़ती खुद ही बिहार पुलिस है, जहां थाना परिसर में जमकर शराब की पार्टी हो रही है। इस वीडियो को इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस जगह पर यह शराब की पार्टी चल रही है वहां हथियार से लैस जवान आते जाते दिख रहे हैं, और शराब पार्टी जो मना रहे हैं उनकी पहचान गौरीचक थाना की मुंशी दिनेश यादव के रूप में हुई है। फिलहाल इस वायरल वीडियो से थाना में तैनात प्रभारी लालमुनि दुबे से लेकर कई दरोगा का फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि आम आदमी के लिए कई कानून शराब पीने के दौरान लगते हैं, लेकिन इनके लिए कौन कानून है अब तो आगे ही पता चल पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि थाना परिसर में शराब आया कहां से? कहीं यह वही शराब तो नहीं जो लोगों से पकड़ा जाता हो? वैसे पटना पुलिस पर कई बार शराब पीने से लेकर बेचने तक आरोप लगे हैं।